ये जो भीड़ की वजह है तो जो लोक अदालत का महत्व तो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और इसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार है। आज पूरा ज़िले का किसान, आम जनता बिजली के कानून से, काले कानून से पीड़ित है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे रीवा ज़िला हो या कहीं भी हो, अभी जबलपुर में परसों पूरा जबलपुर बंद था, महानगर है हमारे पास का, पूरा जबलपुर बंद था। और वहाँ ये मांग थी कि ये एक एक व्यक्ति के खिलाफ चार चार मुकदमे बनाए गए हैं और 10-10, 20-20 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपया निर्दोष किसानों से वसूला जा रहा है। जो किसान चारपाई में पड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके खिलाफ बिजली विभाग मुकदमा पेश कर दिया न्यायालयों के अंदर। तो पूरा आवाम जो है बिजली विभाग के इस काले कारनामे के विरोध में है। और हमारा आरोप है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो सिर्फ बिजली की वसूली से, बिजली बिल के फर्जी वसूली से चल रही है। इस कारण किसान और जनता में आक्रोश है, इस कारण लोक अदालत पूरी तरह से बिजली विभाग के और ये सरकार के आक्रोश के चलते यहाँ कोई महत्व नहीं रह गया, ना ही सरकार यहाँ जिस तरह से अन्याय चल रहा है आज आप देख रहे हैं। ये अदालत हमारी रीवा की हमेशा लोक अदालत से भरी रहती थी, तो जो मुकदमे समझौते होना था, राजीनामा होने था, वो कल तक हो चुके हैं पूर्व से। और ये सिर्फ लोक अदालत बिजली विभाग की वसूली के लिए लगाई जाती थी, जो आक्रोश के चलते जनता के ये यहाँ पर पूरी तरह से फेल है। और एक आक्रोश ये भी है पूरी जनता में कि जिस तरह से सरकार जिला न्यायालय भवन को हटा रही है, कहीं ना कहीं 4-6-10% जो लोग यहाँ नहीं आए हैं वो इस आक्रोश के कारण भी नहीं आए। अधिवक्ताओं का